जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं उसके महत्व का पाठ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं उसके महत्व का पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री मधुसूदन भगवान की जय। श्रावण पुत्रदा एकादशी माता की जय। पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सह विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए एवं इसकी कथा भी मुझे सुनाइए। मधुसूदन भगवान कहने लगे, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निःसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था।
एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि वह दो दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा, अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख के साथ सभी भोगों को भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कथा यही संपूर्ण होती है। बोलो जय ऋषिकेश भगवान की जय। श्रावण पुत्रदा एकादशी माता की जय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके अपने चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो या हमारी किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं तथा अपने इष्ट देव की जय लिख करके हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गे।